नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 5 के अंदर हम स्वच्छता इकाई 13 अभी पढ़ रहे हैं। इसकी बात करें तो अजय के मोहल्ले में बहुत सारी गंदगी मोहन ने देखी और मोहन ने अपने पाठशाला के अंदर अपने अध्यापक को यह बताया और उन्होंने अजय के मोहल्ले की सफाई की। तो चलिए स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जड़ होना मूल कारण होना, गंदगी सभी रोगों की जड़ है, यह उसका वाक्य है। अभ्यास पे आते हैं, उसके अंदर प्रश्नों के उत्तर हैं। आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज, श्याम फलक, शैक्षिक सामग्री तथा मैदान तथा बगीचा, पायखाना, पेशाब खाना आदि की सफाई करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे आपणा पाठशालामां आटली सफाई करिए छे। आगे चलते हैं। गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है। गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती हैं। आगे चलते हैं। सफाई के लिए किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। पाठशाला के अलावा आप दूसरी कौन सी जगह पर सफाई का काम करते हैं? तो पाठशाला के अलावा घर की, मोहल्ले की, हमारे पायखाने की और स्नान घर की सफाई करते हैं। चलिए अब स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, भिनक रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी देखी। तो विद्यार्थी मित्रों, अजय के मोहल्ले में मोहन ने चारों ओर गंदगी देखी। मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते हैं और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। बधा जे पण हता सड़क पर ज कचरो नाखी देता था अने कचरा पेटीनो उपयोग नहोता करता, एटला माटे गंदगी घणी वधारे प्रसरी गई हती। आगळ जईए। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी, उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद कर कर नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा है, अंगों को काम से मिलाइए। कान से गाना सुनते हैं, आँख से फिल्म देखते हैं, नाक से फूल सूंघते हैं, पैर से चलते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं, मुँह से गाना गाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपके पाठ्यपुस्तक के अंदर ये प्रश्न के रूप में दिया गया और यहाँ मैंने आंसर लिखे हैं, यानी कि जवाब लिखे हैं। निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, मेरा गांव और मेरी दिनचर्या, तो मेरा गांव के ऊपर आप चर्चा करना कि मेरे गांव का नाम कनकपुर है या मेरे गांव का नाम रामपुर है, मेरे गांव के अंदर पाठशाला है, विद्यालय है, मेरे गाँव के अंदर पोस्ट ऑफिस है, मेरे गाँव के अंदर पानी की टाँकी है, मेरा गाँव बहुत ही साफ सुथरा है, ऐसे आप चर्चा कर सकते हैं। और अगर कसौटी के अंदर आपको यह लिखने को आए कि आप मेरे गांव पे 5 वाक्य लिखिए तो आप आसानी से यह वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, फिर मेरी दिनचर्या में सुबह में
6 बजे उठता हूँ, उठकर मैं योग करता हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाता हूँ, उसके बाद मैं मम्मी पापा को प्रणाम करता हूँ, फिर मैं अपनी पाठशाला में जाता हूँ, फिर पाठशाला से आकर फिर मैं खाना खाता हूँ। ऐसे आप अपनी दिनचर्या बना सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। तो चलिए आगे चलते हैं। सही व्यवहार के लिए सही और गलत व्यवहार के लिए गलत को निशान कीजिए। केतन कूड़ा कूड़ेदान में ही डालता है, यह सही व्यवहार है, इसीलिए सही। दीपाली खाने से पहले हाथ नहीं धोती, गलत। तनिष हर रोज नहाता है, सही। अश्विन मैदान में इधर उधर थूकता है, गलत। आशा नियमित ब्रश करती है, सही। राहुल स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है, सही। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वच्छता पाठ यहाँ पूर्ण होता है। आगे का जो आगे की कविता है, हम भारत की शान है, यह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए यह पाठ आप अपनी नोट के अंदर लिख लेना, ठीक है।